तो गाइस अब रात के 1:30 बज चुके हैं। तो गाइस मैं फिलहाल आया हूँ बाहर क्योंकि मम्मी को सुबह जाना है वर्कआउट के लिए। उसने वर्कआउट फिर से चालू कर दिया। स्कूटी जैसे कि बीच पार्क है ना, तो उससे मम्मी को निकालने में तकलीफ होती है। तो चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर मम्मी सुबह ले जाएगी। तो देखो टाइगर यहाँ सोया है। टाइगर तो गाइस ये रही स्कूटी यहाँ पे हमारी, चालू हो गई। चलो कोल्ड स्टार्ट पे रख देता हूँ थोड़ी देर। तो गाइस देखो स्कूटी तो मैंने यहाँ पे लगा दी, तो मम्मी सुबह ले जाएगी उसे। तो सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल आई एम एस फॉक्स। तो फिलहाल 10:30 बज चुके हैं। कल रात को मैंने बहुत लेट व्लॉग शुरू किया था और उसके बाद मैंने एडिटिंग की, फिर व्लॉग अपलोड किया, तो बहुत लेट हो गया था सोने के लिए। व्लॉग किया अपलोड मैंने। मम्मी टाइगर, गाइस टाइगर को मैं सुबह से पता नहीं कहाँ गया। मैंने कहा था उसे बांध करो को, लेकिन हम उठने से पहले वो भाग गया कहीं पे। तो मैंने शूज ऑर्डर किए थे कल, और जो कि मैंने अनबॉक्स भी कर लिया, ये रहा इसका बॉक्स। तो ये है ना थोड़ी बड़ी साइज हो गई, तो इसलिए मैंने फिर से रिटर्न कर दिया। मतलब देखो है ना क्या हो रहा है, मैंने हुडीज ऑर्डर की वो भी छोटी हो गई, शूज ऑर्डर किए वो बड़े हो गए। मतलब ये मतलब वैसे तो 9 नंबर है मेरी साइज, तो लेकिन मतलब ज़्यादा ही वो फैल रहे हो, मैंने पहने ऐसे चल रहा हो ना तो फैल रहे हो ऐसे, अब समझ लेना मतलब बड़े हो रहे, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। तो गाइस मैंने तो नहा लिया, तो मम्मी मेरे लिए बना रही पीछे दूध मेरा। वो मम्मी यहाँ पे बैठ के वो गेहूँ वगैरह चाल रही थी, मतलब वो कंकड़ वगैरह निकालते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, आज ये सब ले जाना पड़ेगा हमें पिसवाने के लिए। उस दिन तो जा रही पिसाने के लिए लेके गए थे, इस तो अब गेहूँ है शायद। तो हाँ ये चलो। और तो गाइस ये वाले शूज जो मेरे ऑर्डर किए थे देखो बड़े साइज के आ गए, वो तो मेरे 8 नंबर के, लेकिन वो थोड़े से मतलब फिटे हो जाते, लेकिन मुझे वही पसंद है। अमेजोन की मुझे एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, उनके जो डिलीवरी बॉय है ना, उस दिन क्या हुआ, वो हुडीज रिटर्न के लिए थी ना मेरे, तो मैंने रिप्लेस की थी हुडीज, रिटर्न नहीं की थी, मतलब रिप्लेस की थी, बड़ी साइज ऑर्डर की थी और रिटर्न को था। मतलब वो ले जाने के लिए आने वाले थे, दिखा रहा था आज आने वाले, तो डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आज नहीं आ सकता मैं, आप कल पे शिफ्ट कर दो। मैंने कहा मुझे नहीं आता करना भाई, आप मुझे नहीं आता करना, आप अपना देख लो, आप आ जाओ लेने के लिए। तो उन्होंने कहा रुको मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने खुद कॉल किया, खुद मेरी रिप्लेसमेंट कैंसिल करके रिटर्न किया, और वो जो पैसे आने वाले थे ना वो मेरे बैंक अकाउंट में ना डाल के उन्होंने कहा कि वॉलेट में डाल दो। मतलब ये देखो अमेजोन का ये ध्यान में रखना चाहिए, डिलीवरी बॉय खुद ऐसा करते हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैंने ही किया है, मतलब भाई, और मैं उनसे बोलने वाला था वो फरार हो गए, मतलब बाइक पे थे मेरे पास डिलीवर के और फटाक से चले गए। अब वो मेरे दूसरी हुडी, मतलब मैंने फिर से एक हुडी ऑर्डर कर दी, वो जब आएंगे ना तब मैं उनसे बराबर से बात कर लूंगा, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो दूसरे के अकाउंट के साथ। मम्मी ने इतना डांटा है ना अभी, हमारा घर था यही पड़ा था ऐसे ही हवा। तो बस दूध तो पी लिया मैंने, तो अब मम्मी को हेल्प करते उस थोड़े वर्क करने में। मम्मी चकुली को डांट रही है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ गेहूं पिसवाने के लिए, और वो जो फोटोज थे ना वो भी लाने हैं, तो चकुली के भी 2-3 पेन वगैरह कुछ लाने रही, फिर तो मैं और भैया जाते हैं। चलो मैं तब तक गाड़ी ले लेता हूँ, यहाँ पे मम्मी ने पीछे लगा दी थी। हाँ हाँ चलेगा, उसमें ऐड कर दो, नहीं है इसमें ऐड कर दो। छोटा वाला पकड़ो भाई, तुम ये छोटा वाला पकड़ो। तो गाइस अब इस पे ना हमारा नाम लिखना पड़ेगा, तो नाम लिख देते हैं। तो गाइस हम आए थे यहाँ पर फोटो लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफर नहीं है, बंद है आज भी, मतलब इतने दिनों से हम आ रहे हैं वो बंद है, ऐसे हो रहा है। फिलहाल चलते हैं वापस, कॉल कर लेते उन्हें पहले, देखते हैं कहाँ पे, अगर पास में तो आ जाएंगे, तो फिर वापस चलते। तो गाइस फिलहाल मैं आया उस दुकान में जहाँ से कूलर लिया था हमने, वो जो एक व्हील मिसिंग है ना उसे कल कंप्लेंट करने के लिए, मतलब कंप्लेंट तो की है, अब वो व्हील ले जाना है, उनके पास होगा तो वो दे देंगे। तो गाइस उन्हें बता दिया मैंने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो जिन डिस्ट्रीब्यूटर से उन्हें ले लिया है ना वो कूलर, तो उन्हें कॉल किया है उन्होंने, तो वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, तब तक हम जाते हैं। फिलहाल चकुली बैठी है पढ़ाई करने के लिए, और टीवी भी चालू है, मैं देख रहा हूँ टीवी चकुली कर रही है पढ़ाई। तो
तो गाइस अब 3 बज चुके हैं और मुझे भूख लग गई थी तो मम्मी बना रही है मेरे लिए डोसे। मम्मी जल्दी करो यार। तो गाइस अपना डोसा तो बन चुका है, डोसा विद चटनी। तो गाइस मैंने भैया को बुला दिया था मेरे साथ खाना खाने के लिए, ये जो आ चुका है। तुम पसंद है भैया डोसे? पसंद है ना? हम साथ में खाएंगे अब। तो गाइस मैंने तो खाना खा लिया, तो भैया खा रहा है। तो गाइस अब पानी आ चुका है तो टाइगर को नहला देता हूँ और ये सब उठाना पड़ेगा। तो गाइस पानी तो लगा दिया, अब जल्दी से यहाँ से ले लेता हूँ टाइगर। आया नहीं? आ गया मम्मी। उसे चल गया पता, उसे पता चल गया, उसे नहलाने वाला हूँ। तू रुक अभी, तू रुक, आज तुझे नहलाऊंगा ही। चलो इसका घर भी अच्छे से धुल गया। तो गाइस मम्मी ने निकाल लिया वो, तो पानी चला गया, फिर से इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर जहाँ पे था। तो गाइस फाइनली टाइगर को नहला दिया काफी दिनों बाद, लेकिन अच्छे से नहीं नहला पाया क्योंकि पानी थोड़ी देर बाद चला जाएगा और अब और अंदर अभी बहुत सारा पानी भरना बाकी है। छकुली आवाज कभी करे यार, कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस मैं सो ही रहा था कि अमेजोन के डिलीवरी बॉय कॉल आ गया, हमने जो शूज लाए थे ना वो रिटर्न करने है ना, तो वो भी लेके जाने। फिर हुडी भी आई हमारी तो वो भी लेके आते आते वक्त, और जो गेहूँ डाल दी पैसे के लिए वो भी लेके आते, तो भाई को कॉल कर दिया था वो आ रहा है। तो गाइस शूज तो पैक कर लिए, तो अब चलते हैं। तो ले लिया गेहूँ पीस के हो चुके हैं, तो अब चलते घर पे। पार्सल भी कलेक्ट कर लिया हुडी का। तो गाइस आज एक और पार्सल की अनबॉक्सिंग करेंगे हम। हमारे चैनल अब मुझे लगता है धीरे धीरे अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारी अनबॉक्सिंग हो गई। एक दो तो मैंने व्लॉग में ली भी नहीं, मैं तो उस दिन व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने, वो जो मेरे दूसरे हेडफोन्स थे उसकी अनबॉक्सिंग हो गई, फिर वो शूज़ की अनबॉक्सिंग हो गई, उसका मैंने व्लॉग मिल लिया नहीं, उस दिन व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। चलो ये हुडी उस दिन जो छोटी हो गई थी ना, ये आज उसके डबल एक्सल मतलब उसके दो साइज तो बड़ी मंगाई है मैंने। तो चलो ये ले पहन इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अब गाइस अब नहीं, अब आपको कोई अनबॉक्सिंग नहीं मिलेगी, अब बस इतना ही। तो गाइस ये देखो अब ये थोड़ी सही साइज लग रही है ना मम्मी, अब थोड़ी ठीक लग रही है, पहले तो बहुत छोटी आ गई थी। अब हुडी जैसी होती है मम्मी, लूज ही होती है गाइस। अभी मैंने इसमें इसके अंदर हाथ डाला, फिर देखो यहाँ का डाला हुआ था, यहाँ से भी निकल रहा है, पता नहीं ऐसा कैसा सिस्टम होता है हुडीज का। मेरे वो दो हुडीज है ना, एक में तो ये वैसा खिसा ही नहीं है, उसमें है लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल है, पॉकेट सॉरी खिसा नहीं, तो वो ऐसे यहाँ पर है, लेकिन ये तो जॉइंट है यार, देखो खड्डा है इसके बीच में से, पूरा का पूरा सुरंग बनी हुई है। यही छोटी छोटी चीज़ें छोड़ के मुझे ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करनी नहीं चाहिए, सब पोपट हो जाता है। ये देखो अब ये डबल एक्सेल मतलब एक्सेल की थी मैंने, मम्मी कह रही बहुत बढ़िया घर हमें, मैंने अभी देखा ना शीशे में, मुझे बड़ी लग रही है, बहुत बड़ी हो गई, मतलब ऐसे हाथ में तो बराबर आई है सही है एकदम, लेकिन साइज में बड़ी हो गई, तो मुझे लगता है ये रिटर्न ही कर देता हूँ मैं। तो वैसे अब टाइम हो रहा है 7:30 और मैं थोड़ी देर सोने के बाद अभी जस्ट उठा, रुपये ने आवाज़ दी थी तो उसका कुछ चश्मा वगैरह टूटा है, तो जाना है कुकाना, तो उसके जाके आता हूँ, तो हमारे भी एक चेक करो जाएगी। तो ऋतुराज को ले लिया चश्मा, कहाँ पे रखा है वो, किसे में है क्या? अच्छा अच्छा उसके पॉकेट में है, तो फिर चलते वापस से घर पे। गैस फिलहाल हम आए सुपर मार्केट में, ऋतुराज को शॉपिंग करनी थी, दो प्राइस देख रहे हो क्या? वो एक समझ लो ये छोटी है ना, तो ये वाली सस्ती होगी बबो, उल्टा हो गया क्या? तो गाइज वो जो कुछ चंद यूट्यूबर्स है ना जिनके मैं ब्लॉग्स देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उनमें से एक यूट्यूबर है जो आज टीवी पर आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देखो तो आप गेस कर रहे, देखो मेरे पीछे, तो मतलब उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मैं पापा को मम्मी को बताया जा रहा हूँ, मम्मी ऐसा है, उनका ऐसा है, उसका रश्य है, उन्होंने अभी कायरा नाम बताया ना मम्मी रश्य का, मैंने बताया नहीं नहीं उसका रश्य नाम है ऐसा वैसा, पैरस रश्य कहते ना रस भरी, तो ऐसा है उनका छोटा सा बच्चा नहीं आया है ना मम्मी। और एक यूट्यूबर और भी है, उन्हें भी मैं टीवी पे देखना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या मालूम अभी कुछ कह नहीं सकते। तो कहते 7:30 बज चुके हैं और मम्मी ने खाना परोस दिया, वो बैठ गए नीचे, और आज इडली सांभर दोपहर को डोसे थे और अभी इडली सांभर, तो फिलहाल हैरी पॉटर लगा दिया है मैंने। 2 दिन में मम्मी को 2 मूवीज दिखा दी, पहली वाली और दूसरी वाली, तो अब तीसरी बारी है, तो मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है हैरी पॉटर देखने के लिए, मतलब हैरी पॉटर देखने को। और आजकल छुकली बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगी, पता नहीं कैसे करो भाई।
खड़े करो गप नाच के। तो वैसे अब खाना खा लिया, आइसक्रीम में कल खाऊंगा। और टाइगर फिलहाल आज सो गया है, तो चलो एडिटिंग वापस स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं बैठा ही था, तुरंत मम्मी ने खाना परोस दिया, इसलिए अब वापस से करता हूँ एडिटिंग। तो गाइस अब 1:05 हो चुके हैं और वीडियो एडिट कर दी, अब एक्सपोर्ट हो रही है। तो जब तक एक्सपोर्ट हो रही है तब तक मैं हुडी वगैरह चेंज कर लेता हूँ, नाइट ड्रेस वगैरह पहन लेता हूँ, और आज कूलर में पानी भी नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले पानी डाला था, अब तो कूलर फुल है। तो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद अपलोड पे लगा दूंगा, इस वीडियो कर लेता हूँ एंड। उम्मीद आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।